हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी एग्जामिनेशन इन फॉलोइंग रिपोर्ट 2 नोटिस। यहाँ पे जो नोटिस है उसके बारे में कह रहा है, तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बताता हूँ क्या है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है क्योंकि पीटी का एग्जाम आया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें त्रुटि हुई है। इस प्रकार के नोटिस आ रहे थे और समाचार भी सुनने मिल रहा था आप लोगों को, तो यहीं पर क्या है उसको जो है जेपीएससी की ओर से, आयोग की ओर से कुछ कहा गया है, तो देखते हैं। इट इज़ द नोट वर्थी दैट एन अनप्रीसीडेंटेड 5,35,521 कैंडिडेट हैड रजिस्टर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, ऑफ विच इवेंचुअली 3,69,327 ऑब्टेंडेड देयर एडमिट कार्ड्स। फाइनली 2,49,650 एग्जामिनेस अपीयर्ड, अकाउंटिंग फॉर नियरली 5,00,000 OMR सीट्स। दिस फिगर वाज नियरली 4 टाइम्स एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो है इसमें जो लगभग 5,35,000 से ऊपर के कैंडिडेट्स रजिस्टर किए थे, फॉर्म भरे थे, और उसमें से 3,69,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था, और इसमें से भी फाइनली जो है वो लगभग 2,50,000 के स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर हुए थे, और 5,00,000 OMR सीट इसमें मिला है। दिस फिगर वॉज नियरली 4 टाइम्स एनी प्रीवियस क्वेश्चन। तो यह जो है फिगर वह कोई भी प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके 4 टाइम्स के बराबर थे, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट्स थे, उसमें से कितने एडमिट कार्ड जारी हुए, उसमें से कितने प्रेजेंट हुए एग्जाम में, और उसमें से OMR सीट कितना आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों डाटा। इसके बाद है इन द करंट पीटी आउट ऑफ 2,49,650 एग्जामिनेशन देयर वाज 57 सच फॉर हुम 1 OMR सीट वाज नॉट अवेलेबल एट जेपीएससी ऑन नवंबर 1, 2021। तो यहाँ पे जो है लगभग 2,50,000 कैंडिडेट्स एग्जाम दिए थे, उसमें से 57 यानी 57 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिसका OMR सीट आपको 1 नवंबर 2021 तक में नहीं मिला था जेपीएससी के पास में, उसके पास में अवेलेबल नहीं था, ये भी कहा गया है। और इसमें आप देख सकते हैं ऑल दिस 57 कैंडिडेट्स हैड बीन शोन एज प्रेजेंट ऑन द अटेंडेंस सीट ऑफ द कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि ये जो 57 कैंडिडेट्स हैं उनको अटेंडेंस शीट में ये प्रेजेंट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है उनका जहाँ भी एग्जाम सेंटर था उसमें, लेकिन यहाँ पर उनका जो है OMR सीट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये भी कहा गया है। यहाँ पे अगला है दिस वॉज नॉट द फॉल्ट ऑफ द 57 कैंडिडेट्स इन क्वेश्चन, ये जो है वो 57 कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ वेल एस्टेब्लिश कैनो ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू डिले द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट द कमीशन डिसाइडेड टू अलाउ 49 ऑफ देम द कट ऑफ मार्क्स एंड डिक्लेयर देम एज क्वालिफाइड प्रोविजनली। तो यहाँ पे जो है दिया गया है उसमें जो रिजल्ट दिया गया है उसमें से ये जो 47 है, उन 57 में से 47 है वे लोग कट ऑफ मार्क्स को पार कर दिए गए हैं, मतलब कट ऑफ मार्क्स पार किए हैं और क्वालिफाइड हो गए हैं, ये भी बताया गया है। यानी कि ये जो 57 था उसमें से 49 को पास बताया गया, द रिमेनिंग 8 कुड नॉट बी डिक्लेयर क्वालिफाइड ड्यू टू अदर वैलिड ग्राउंड्स पार्टिकुलर टू देयर केसेस। और जो बचे हैं 8 उनके बारे में जो भी केस हुआ था ग्राउंड लेवल में उन सबको देखते हुए उन लोगों को डिक्लेयर नहीं किया गया, यानी कि उन लोग क्वालिफाइड नहीं किए गए हैं। यहाँ भी है एन इंक्वायरी वॉज इनिशिएटेड इन टू द मैटर ऑन नवंबर 21, 2021 इटसेल्फ सो दैट दिस केसेस कुड बी रिजोल्व एट द अर्लीस्ट। तो यहाँ पे कहा गया कि 1 नवंबर 2021 के बाद यहाँ पर जब जैसे हुआ था उसके बाद में इसको जल्दी से जल्दी रिजोल्व करने की यहाँ पर बात कही जा रही है आयोग की ओर से। आप यहाँ पे 6 नंबर में देख सकते हैं, 6 नंबर में द इंक्वायरी हैज़ नाउ कम टू ए कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड नन ऑफ दिस 49 कैंडिडेट्स हैव बीन फाउंड टू क्वालिफाई देयर रोल नंबर्स आर एज फॉलोज। और उसमें से जो 49 कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई किया गया है, उनके रोल नंबर आप देख सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपना रोल नंबर मिला सकते हैं 49 कैंडिडेट्स में से, यहाँ पे एक एक करके अपना रोल नंबर को मिला सकते हैं। सिंस दिस कैंडिडेट्स वर गिवन मार्क्स इक्वल टू द कट ऑफ देयर रिमूवल डज नॉट चेंजेस द कट ऑफ इन एनी मैनर। और इसमें यह भी कहा गया कि ये जो है 49 कैंडिडेट्स उनका जो है रिमूव नहीं किया जाएगा, वे लोग कट ऑफ मार्क्स को पार कर लिए हैं तो ये लोग क्वालिफाइड हैं, और बाद बाकी जो है 8 है उसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आया है वो है आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची की ओर से, यहाँ पर सेक्रेटरी का साइन भी है दिखाया गया है। तो यही जो अपडेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका भी रोल नंबर है वो यहाँ पे चेक कर लेंगे।